ग्रेट नेम ऑफ्ला मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशियल वेलकम टू द बैरिया मॉडल स्कूल पी एनआरि मोरीपुर प्राइमरी विंग ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट्स दिस इज़ क्ला एस क्लास आई रजिया शब्बी अहमद योर एस टीचर स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर वन पर थे हमारी प्रीवियस वीडियो में एंड द यूनिट नंबर वन इज़ द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम ठीक है आपको मैंने वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे लेकिन इसका नए टॉपिक्स की तरफ मूव करने से पहले पहले हम ओवरव्यू करते हैं पुराने टॉपिक्स को ताकि आपका रिवीजन हो जाए फ़र्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था यूनिवर्स था यूनिवर्स मैंने बताया था आपको बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और अ लॉट ऑफ एम स्पेस यानी ख़ाली जगह पर मुश्तमिल है कोई नहीं जानता कि यूनिवर्स कितनी बड़ी ज़... बड़ा है इसके अलावा बहुत सारी यहाँ गैलेक्सीज हैं उन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी जिसे मिल्की वे कहते हैं उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कितने प्लैनेट्स पे मुश्तम है वो हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा था और सोलर सिस्टम कंटेन्स सन एट प्लैनेट्स मैनी मून एस्टरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम जो है उसमें आठ प्लैनेट्स होते हैं बहुत सारे मून होते हैं एस्ट्रॉड्स होते हैं एंड मीटियोरॉइड्स होते हैं ये रोकी बॉडीज़ होते हैं यानी बड़े बड़े पत्थर नुमा अजसाम जो कि खला में तैरते रहते हैं इन आ, प्लैनेट्स के दरमियान में ठीक है दैन हमने नेक्स्ट पढ़ा था द सन सन एक बहुत बड़ा बर्निंग बॉल की मानंद होता है ये एक स्टार है और इसकी जिम्मेदारी होती है प्लैनेट्स जो मौजूद हैं सोलर सिस्टम में तमाम को हीट और लाइट प्रोवाइड करना ठीक है और इसका जो वॉल्यूम है हंड्रेड टाइम्स बिगर है हमारे अर्थ के मुकाबले में और ये वन फिफ्टी मिलियंस किलोमीटर दूर है हमारे प्लान अर्थ से स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था मून मून इज सैटेलाइट ये स्मॉलर बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट्स के साथ पाई जाती हैं हाँ मोस्टली प्लानट्स जो हैं वो अपना मून रखते हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनका एक भी मून नहीं होता है सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी प्लानट के सिक्सटी मून होते हैं हमारे प्लानट अर्थ का सिर्फ़ एक ही मून है और वो हमारे प्लानट अर्थ की चारों तरफ रिवॉल्व करता है वो अपनी रोटेशन तकरीबन ट्वेंटी नाइन से थर्टी डेज़ में कंप्लीट करता है इसका फासला थ्री लेख एटी फोर थाउजेंड किलोमीटर्स होता है इस नाइनटीन सिक्सटी नाइन में पहली बार वहाँ पर अमेरिकन एस्ट्रोनोट्स लैंड किए थे उन्होंने बताया हमें कि वहाँ पानी और ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द अर्थ अर्थ जो है थर्ड प्लानट है सोलर सिस्टम का और ये वाद प्लानट है जहाँ पर जिंदगी मौजूद है यानी वहाँ पर एनिमल्स हैं ह्यूमंस बींग हैं और हैं फिशेस हैं ठीक है, है इसके अलावा किसी भी प्लानट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती स्टूडेंट्स प्लान अर्थ की ये एक अलग क्वालिटी है ठीक है जनाब इसके बाद प्लैनेट अर्थ जो है वो चारों सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व रोटेट करता है इस रोटेशन की चीज़ें में हमें कभी सर्दी गर्मी कभी बाहर और ख़जा यानी समर विंटर ऑटम एंड स्प्रिंग के सीज़न्स मिलते हैं ठीक है इस आ, सन जो है आ, अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के अलावा अपने एक्सिस पे स्पिन करता है ठीक है घूमता है अपने एक्सिस पे भी उससे दिन और रात आती है यानी जो पार्ट सन के सामने होता है वहाँ रोशनी होती है दिन होता है और उसके पिछला हिस्सा जो है वहाँ पर रात होती है जियोग्राफर्स ने जियोग्राफर्स कहते हैं उन लोगों को जो ज़मीन के बारे में स्टडी करते हैं ठीक है उन्होंने साइन की है इमेजनरी लाइन ठीक है आप पिक्चर में भी देख सकते हैं उस लाइन को इक्वेटर करते हैं इक्वेटर कहते हैं द इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी लाइन दैट रंस अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ सेंटर ऑफ ऑफ अर्थ के मैं ये लाइन मूव कर रही है ठीक है इट डिवाइड्स अर्थ इन नॉर्थ एंड साउथ पोल इसकी मदद से इसकी वजह से ज़मीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ठीक है नॉर्थ पो इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में जितने भी एरियाज uh, आते हैं उसे नॉर्दर्न हेमस्फियर कहते हैं रेड कलर से मैंने आपको शो किया हुआ है और इक्वेटर के बिलो पार्ट पे जितने भी हिस्से आते हैं जितने भी रीजनस आते हैं उसे हम कहते हैं साउथर्न हेमस्फियर और ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं अगर एक तरफ सर्दी है तो दूसरी तरफ गर्मी होगी राइट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द प्लैनेट्स प्लैनेट्स के बारे में आपको बहुत डिटेल से मैंने बताया था सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ पे एक और uh, दफ़ा हम देख लेते हैं एट uh, प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट अपने एक्सिस uh, uh, पे अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होता है सूरज के चारों तरफ ठीक है उसका अपना टाइम होता है हर प्लैनेट का अपना मुकर टाइम होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो मूव uh, कर रहा होता है ठीक है कोई भी प्लान जो सबसे मैक्सिमम टाइम लेता है वो होता है वन सिक्सटी फोर पॉइंट सेवन नाइन ईयर्स ठीक है इस कदर ज़्यादा लेता है और सबसे करीब वाला जो प्लानट है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्स डेज़ में अपना ही रोटेशन कम्प्लीट करता है स्टूडेंट्स हमारा प्लानट अर्थ थ्री सिक्सटी फाइव डेज में अप्रॉक्सीमेटली अपनी रोटेशन जो है सन के चारों तरफ कंप्लीट करता है यानी एक जो से कंप्लीट होता है ठीक है वो इसी रोटेशन के अकॉर्डिंगली होता है आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया दिए नंबर थ्री एंड फोर आपको इस वीडियो में पढ़ के सुना रही हो आपने कॉपी में नोट डाउन करने वॉट इज इक्वेटर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन दैट रंस हॉरिजेंटली अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ अच्छा राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन मून अ मून इज अ सेटेलाइट मोस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम हैव देयर ओन मून द अर्थ हैज वन मून इट रोटेट्स अराउंड द अर्थ द मून हैज़ नो लाइट इट रिफ्लैक्ट्स सन लाइट ठीक है इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है जो हमारा मून है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है सन लाइट को ये दोनों क्वेश्चन आपने नोट डाउन करने हैं अपनी एस एस टी की कॉपी पर क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे थ्री एंड फोर ये है अच्छा इसके अलावा मैंने एक एक्टिविटी भी आपको दी थी कि आपने सोलर uh, सिस्टम को एक कंप्यूटर शीट पर ड्रॉ करना है कलरफुल सा अच्छा जी ये होम असाइनमेंट भी है नेम बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टार इन मिल्की वे मिल्की वे के सबसे ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट स्टार को आपने सर्च करना है नेट पर उनके नाम आपने कॉपी पे लिखने हैं आपका सेकेंड टास्क है एस्ट्रोनॉट्स के नाम ढूंढने हैं जो लैंड जिन्होंने लैंड किया था नाइनटीन सिक्सटी नाइन में मून uh, की सरफेस पे उनके नाम सर्च करने के बाद आपने वो भी अपनी कॉपी में नोट no, डाउन करने हैं ये दो बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग से टास्क मैंने आपके लिए तैयार किए थे तो ये आपने करना है आपने अपनी कंप्यूटर शीट वाली एक्टिविटी को भी कंप्लीट करना है आपने उसे ड्रॉ करना है या आप ड्रॉ करें या फिर आप डिफरेंट कलर पेपर्स को कट करके रेडी करें जो भी आपको ईजी लगे आपने उस वे में अपनी एक्टिविटी कम्प्लीट करनी है बुक के लिए आपका होमवर्क है कि पेज नंबर फोर एंड सिक्स करना है पेज नंबर फोर पर आपको ब्लैंक्स फिल करनी है तमाम के आंसर गिवन है आपके चैप्टर में ही और सिक्स पे एक पज़ल आपको गिवन है और वर्ड्स भी गिवन है आपने जैसे उसको ग्रेड आउट करना है सर्च करना है कलर करना है और उसकी पिक्चर लेनी है और मुझे सेंड करनी है स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़